सरपंच और वर्तमान सरपंच में इन दिनों ज्ञापन की राजनीति चल रही है। ये मामला जावद की तारापुर पंचायत का है, जहां एक दूसरे की जमीन की बंदरबांट का आरोप, अवैध कब्जे का आरोप भी लगाया जा रहा है। जावद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत तारापुर में बीते कल मंगलवार को सरपंच व कुछ ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर पहुंचकर पूर्व सरपंच के नाम एक आवेदन देकर शिकायत करते हुए अतिक्रमण, सामुदायिक भवन, पानी टैंकर मिसिंग सहित अन्य मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया था। वहीं बुधवार को पूर्व सरपंच पवन सेन व ग्रामीणों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक आवेदन दिया है और उपरोक्त मामले को लेकर वर्तमान सरपंच पर आरोप लगाए गए हैं और वर्तमान सरपंच द्वारा की गई झूठी शिकायतों में निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायती आवेदन में बताया गया कि बीते कल मंगलवार को वर्तमान सरपंच ने ग्राम तारापुर में अतिक्रमण, सामुदायिक भवन और टैंकर मिसिंग की झूठी शिकायत की है। अनुविभागीय अधिकारी जावद द्वारा वर्ष 2017 में आदेश पारित किया गया था, जिसमें भूखंड आवंटित करने की बात कही गई थी, जिस पर पंचायत द्वारा वर्ष 2019 में लेआउट स्वीकृत कराकर अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। पूर्व सरपंच पवन सेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान तारापुर सरपंच सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं सत्यनारायण जटिया द्वारा स्वीकृत सामुदायिक भवन मठ द्वारा दान की गई जमीन पर बनाया गया है, जो पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा सेन समाज के मंदिर के पास भी सामुदायिक भवन का बरामदा बना हुआ है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि उपरोक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर मौका मुआयना भी किया जाए और शासन को गुमराह करने वाले दोषियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जा रहा है, कल 5-7 लोग आए थे, तो सिर्फ 4 परिवार के लोग थे, 2-3 तो ये भाई थे, और ये न्यूज़ छपाई इन्होंने कि ग्रामीण जन आए। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जन किनको कहते हैं। आज मेरे साथ युवा जन, ग्रामीण जन आए हैं और अपनी इच्छा से आए, इसलिए आए हैं कि गलत ना हो। अभी वर्तमान सरपंच और जगदीश कुमार द्वारा ये जो पीड़ित हैं अनिल जी जोशी, इनसे पैसों की मांग करते हुए और चुनावी द्वेषता के कारण ये कहा गया कि भैया तेरी दुकान हम गिरा देंगे, अवैध है। इतने सालों से तो अवैध नहीं थी, अभी अवैध है। और पास में जो इनकी इनका जो मित्र है सलमान, जो कई टाइम से 2 नंबर के धंधों में लिप्त है, उसका बहुत बड़ा मकान बना हुआ और अवैध बना हुआ, उसका कई कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, उनको वो वैध लगता है और उसके पास में एक दीवार से लगी हुई ये दुकान, इनका मकान अवैध लगता है और इनको 5 लाख की मांग की गई और नहीं देने पर तोड़ने की धमकी दी गई। इस प्रकार से नोटिस दिए, नोटिस का जवाब देने के पश्चात भी वो संतुष्ट नहीं हुए। सरपंच का कहना है कि मैं सरपंच हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अभी उमेश बाड़ी का उमेश एनिया, इसको पंचायत, ये दिव्यांग होते हुए उसको पंचायत से बाहर निकाल दिया। नल चालक गोपाल मेणतवाल को इनको पंचायत से बाहर निकाल दिया। और ये सारी सिर्फ अपने सरपंच की सील से, पंचायत में किसी पंच का या कोई प्रोसीडिंग या कोई नियम नहीं अपनाया गया है। और अभी कल मेरे पे कुछ आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने मांगलिक भवन नहीं, जगह पे नहीं बनाए, तो मैं प्रूफ समेत लेके आया हूँ कि मांगलिक भवन वहाँ जगह पे बना हुआ है। और इनका कहना है कि भाई महाराज जी की जगह पे बना दिया गया है बावड़ी की, तो मठ द्वारा वो जगह दान में दी गई, उसकी नोटरी है और पंचायत में उसका रिकॉर्ड है, ये देख सकता है। शायद अब ये इन मामलों में अंधे हो जाएँ तो ये हम नहीं कह सकते हैं, बाकी आप देखें जाके, रिकॉर्डेड है। एक और मामला इन्होंने उठाया सेन समाज मंदिर, तो सरकार जितने मंदिरों आगे बरामदे बनाती है वो एक मंदिर व्यवस्था के लिए होता है और सामुदायिक रूप और सभी के उपयोग के लिए होता है। तो सेन समाज ही क्यों, माली समाज, छिपा समाज, राम जानकी मंदिर और एक मस्जिद में भी जो बरामदा बना हुआ है शासकीय पैसों से, वो इसीलिए बनाया है कि वो सबके उपयोग के लिए हो। तो ये भी एक उसका अनर्गल मेरे ऊपर आरोप है। दूसरा, उसने एक और कहा है कि टैंकर बेच दिया, ऐसा इन्होंने चोरी किया ऐसा। तो भैया मैं चुनाव तक, इन्होंने शिकायत लिखी चुनाव तक टैंकर हमने वहाँ देखा, चुनाव समाप्त होते ही मैं संगठन के कार्य से बाहर गया, 6-8 महीने बाद लौटा 6 तारीख को। तो भाई मेरे, जब मैं वहाँ मौके पे नहीं था तो मेरे द्वारा कैसे विक्रय कर दिया गया। और अगर आप, मेरा तो ये शासन से निवेदन है कि आप इसकी FIR दर्ज करें और जांच की जाए।